नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। भारतवर्ष में किसको नागरिकता मिलनी चाहिए, इस पर भी बवाल खड़ा हो सकता है। ऐसा संभव नहीं दिखता, परंतु पिछले कई दिनों से सारे देश भर में जो हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, उससे तो ये लगता है कि भारतवर्ष के अंदर इस बात पर भी समझौता नहीं हो सका कि भारत की नागरिकता किसको मिलनी चाहिए। बवाल क्यों खड़ा हुआ? देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने पार्लियामेंट सेशन के अंदर एक नागरिकता के बारे में बिल प्रस्तुत किया, जिसका नाम अभी है नागरिकता संशोधन एक्ट। आप देखते हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर लड़कों ने प्रदर्शन किया, विरोध कर रहे थे। विरोध बनता है, अगर किसी बात से सहमत नहीं है उनका विरोध भी जायज है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर भी विरोध हुआ, लखनऊ के अंदर भी हुआ, असम के अंदर किसी और कारणों से विरोध हुआ, यानी कि तमिलनाडु के अंदर भी विरोध हुआ, केरला के अंदर तो वहाँ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के लोग इकट्ठा बैठ करके जो बिल आया है उसके खिलाफ खड़े हो गए। उनका कहना क्या था कि अमित शाह जी ने बिल दिया है वो संविधान के ऊपर एक बहुत बड़ी चोट है। आर्टिकल 14 जो है संविधान का, वो कहता है कि देश के हर नागरिक के सामने कानून एक ही होगा। तो इस बिल में ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से लोगों को लगा कि अमित शाह और मोदी सरकार ने संविधान पर हमला कर दिया? उनका कहना यह है कि बिल जो 1955 का एक संशोधन किया है लॉ के अंदर, उसके अंदर स्पष्ट किया गया है कि इस बिल के अनुसार वही लोग जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में भारत में आए हैं, वो लोग हैं कौन? सिख, हिंदू, जैन, ईसाई, पारसी। इन लोगों को जो वहाँ से तंग होकर के, दुखी होकर के जो प्रताड़ित हुए हैं, उन लोगों को यहाँ पर बसाया गया है, परंतु उनको नागरिकता नहीं मिली है, उन्हीं को ही भारत सरकार केवल नागरिकता देगी। इसमें क्योंकि मुसलमान भाइयों का नाम नहीं था, मुस्लिम को बाहर रखा गया है, इसलिए विरोधी दलों का कहना है कि संविधान के ऊपर चोट है, कि संविधान के अंदर धर्म के प्रति कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता। परंतु बीजेपी का कहना है कि भारत का कोई भी नागरिक इससे प्रभावित नहीं होगा। भारत रहने वाला कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई कोई भी हो, उसके प्रति कोई भेदभाव ये बिल नहीं करता है। तो बिल क्यों लाया गया? क्योंकि बीजेपी का एक मैनिफेस्टो था जिसके अंदर ये कहा गया था कि पाकिस्तान से जो लोग आए हैं उसमें ज़्यादातर हिंदू हैं या सिख हैं, कई प्रदेशों में ठहरे हुए हैं, वो नागरिकता से वंचित हैं, जिसकी वजह से वो घर नहीं खरीदते, प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, वोट नहीं दे सकते, जबकि बांग्लादेश से आए हुए लाखों करोड़ों लोग जो हैं अवैधानिक तरीके से देश में आए हैं, वो नागरिक भी बन चुके हैं कई जगह पर, और कई जगह वोट देने का अधिकार भी ले चुके हैं। तो बीजेपी ने कहा कि हमने अपना मैनिफेस्टो पूरा किया है, परंतु क्योंकि मुस्लिम को बाहर रख दिया गया है, इसकी वजह से ऐसा लगा कि देश को धर्म के नाम पर विभाजित किया जाता है। पार्लियामेंट के अंदर हंगामा हुआ था, इंडिया गेट के ऊपर प्रियंका गांधी धरने पर बैठ गई, उनके साथ बाकी भी कांग्रेस के नेता आके बैठ गए। आपने अलीगढ़ के अंदर भी देखा, जामिया के अंदर भी देखा, ये हुआ, तोड़फोड़ हुआ। असम के अंदर लोगों को क्या लगा कि इस बिल के अंतर्गत ऐसे लोगों को वहाँ पर नागरिकता मिल जाएगी जो असम की कल्चर जो है, संस्कृति जो है, उनकी वेशभूषा है, उसके ऊपर असर डालती हैं। असल में यहाँ के लोगों को ये लगता था कि मुस्लिम को लाने के लिए, रोकने के लिए ये बिल लाया जा रहा है, जबकि असम के लोगों को ये लगता है कि केवल जो हिंदू वहाँ से आए हैं, बंगाली हिंदू आए हैं, उनको असम में बसा करके वहाँ का कल्चरल जो है बैलेंस उसको डिस्टर्ब किया जाएगा। इससे ये भी हुआ, सारी ओपोजिशन पार्टियां इकट्ठी हो गई, पर शुरू कहाँ से हुए प्रदर्शन, कि सारे के सारे स्टूडेंट नेता जो हैं, जेएनयू में पहले किसी और बात को लेकर के झगड़ा हुआ था, फीस बढ़ाई गई थी इसलिए हटा दिया गया, क्योंकि फीस उनको बहुत कम देनी पड़ती है, उन्होंने भी समर्थन कर दिया। जामिया मिलिया क्योंकि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर भी प्रदर्शन हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी हुआ, लखनऊ में भी हुआ, और फिर शहरों में बढ़ता गया, दिल्ली के कुछ इलाकों में भी प्रदर्शन हुए, कुछ गैस चलाई गई। परंतु इसका मतलब क्या है कि किसी देश को ये अधिकार नहीं है वो किसको नागरिकता दे? सारे वर्ल्ड के अंदर, हर देश के अंदर कानून है कि वो किसको नागरिकता देंगे वो वहाँ की सरकार डिसाइड करती है। परंतु क्या मोदी जी या शाह साहब ने एक टेक्टिकल मिस्टेक की?
लोगों का कहना ये है, उनके अपने लोगों का कहना भी ये है कि अगर वो बिल इसलिए था कि वहाँ की जो माइनॉरिटीज़ हैं बांग्लादेश के अंदर या अफगानिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के अंदर, तो आप मुसलमान वर्ड छोड़ दिया, अगर केवल इतना ही लिख देते कि वहाँ की जो माइनॉरिटी हैं उनको हम नागरिकता देंगे, तो मुसलमान का शब्द आता ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर सारे माइनॉरिटी में मुसलमान तो है नहीं। दूसरा जो आरोप लगाया जा रहा है विरोधी दलों की ओर से कि ये केवल मुस्लिम विरोधी बिल है, क्योंकि आपने तमिलनाडु में जो लोग आए हुए हैं श्रीलंका से प्रताड़ित होकर के LTTE के ज़माने में, वहाँ से उनके ऊपर बहुत यातनाएं हुई, वो छोड़ करके तमिलनाडु के रिफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं, उनको क्यों छोड़ दिया आपने? तो ये सब चीज़ें थी जिसकी वजह से इतना हंगामा हो गया और सारी ऑपोजिशन मोदी और BJP के खिलाफ इकट्ठी हो गई। पहला मौका है जिसके अंदर उद्धव ठाकरे ने भी कह दिया कि जामिया मिलिया के ऊपर जो आक्रमण हुआ वो ऐसा लगता था जैसे जलियांवाला बाग का कांड दोबारा से हो गया हो। उद्धव ठाकरे जो शुरू से बांग्लादेशी को निकालने के प्रति में लगे रहे, उनके फादर भी लगे रहे, वो आज कह रहे हैं कि जामिया मिलिया स्टूडेंट के ऊपर आक्रमण जो है वो जलियांवाला बाग की दोबारा से रिपीट किया गया। तो ये लगता है कि NRC जो आने वाला है, अब इन दोनों को जोड़ा जा रहा है कि नेशनल जो अमेंडमेंट किया है इन्होंने सिटीजन एक्ट के अंदर, और NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, क्योंकि देश के अंदर अभी कोई नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन नहीं है। लोगों को लगता है कि बाहर से जब 2 करोड़ बांग्लादेशी आए हैं या बाकी लोग जो आ गए हैं उनका कोई रजिस्टर ही नहीं है, आधार के नाम से वो कार्ड बन गया है, उनको सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं। तो ये जो बिल लाया गया है, संशोधन किया गया नागरिकता के, इसके साथ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बनाया जाएगा जिससे पता लगेगा कौन से विदेशी कहां पर रह रहे हैं। इसका विरोध फिर हुआ, ममता बनर्जी ने कह दिया कि ओवर माई डेड बॉडी, कि मेरी लाश के ऊपर ही ये इम्प्लीमेंट होंगे। बाकी लोग प्रदेश केरला वालों ने भी कह दिया हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। 3-4 चीफ मिनिस्टर जो हैं सब ने स्टेटमेंट दे दिया कि हम केंद्र द्वारा बनाए गए सरकार को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे क्योंकि ये संविधान के ऊपर चोट है। जब पहली बार 6 साल के अंदर हुआ कि मोदी शाह और BJP की गवर्नमेंट को घेरने के लिए स्टूडेंट्स जो सड़क पर आ गए उसके साथ पॉलिटिकल पार्टी भी जुड़ती चली गई। परंतु मुद्दा ये है कि भारतवर्ष के अंदर कोई रजिस्टर तो होना चाहिए, सिटीजन कौन बनेगा? अमेरिका के अंदर भी आजकल रुकावट हो रही है, वो सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, ग्रीन कार्ड नहीं दे रहे, कई कई किस्म की। ट्रंप साहब ने कह दिया कि मैं मेक्सिको की दीवार बनाऊंगा ताकि लोग आ नहीं सकें, स्पेनिश नहीं आ सकें। और यूरोप के अंदर भी काफ़ी लोग इसके ऊपर रोक रहे हैं कि हर जगह से लोग जो होते हैं भाग करके सीरिया से इधर से वहाँ जा करके सेटल हो जाते हैं। तो सारे विश्व के अंदर इस्लामिक देशों से जो लोग आ रहे हैं वहाँ से भाग करके वहाँ की सरकारों में प्रताड़ित होकर के उनको जगह देने के लिए सब जगह ये कोशिश हो रही है कि ऐसे लोगों को नहीं आने देना चाहिए। और बाकी ये भी सवाल उठता है कि जो पाकिस्तान है या बांग्लादेश है वहाँ के सब लोग भाग करके, या बर्मा से रोहिंग्या जो मुस्लिम लोग हैं वो भाग करके हिंदुस्तानी क्यों आ जाते हैं? जम्मू के अंदर रोहिंग्या पहुँच गए, फिर वहाँ क्यों पहुँच गए आप लोग? जब उन लोगों को जो पाकिस्तान या बांग्लादेश या म्यांमार से भागते हैं वो पाकिस्तान में मुस्लिम क्यों नहीं चले जाते? वो या किसी वहाँ पर अरब कंट्रीज़ में क्यों नहीं चले जाते? वो मलेशिया में क्यों नहीं जाते? ये BJP का कहना है कि ये लोग हिंदुस्तान के अंदर क्यों आ जाते हैं, जबकि उनके अपने धर्म के मेजोरिटी 56 कंट्री इस देश के वर्ल्ड के अंदर ऐसे हैं जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी है, सबको रहने का अधिकार है। तो ये एक इश्यू बन गया है कि हमेशा BJP के ऊपर ये चार्ज लगता रहा कि ये पोलराइजेशन करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, वोट बैंक की राजनीति, जो BJP चार्ज लगाती थी कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करती है, वही चार्ज पलट करके आप BJP की सरकार के ऊपर लग रहा है कि वोट बैंक की राजनीति हो रही है, जिसकी वजह से ये नेशनल जो बिल आया हमारे जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और जो NRC आने वाला है ये इसलिए आ रहा है कि हिंदूवादी राजनीति BJP करना चाहती है। अमित शाह ने कह दिया इसके साथ जोड़ करके कि हम NRC सारे देश में लागू करेंगे, रजिस्टर बनाएंगे, और जो लोग बाहर से इलीगल लोग आए हुए हैं उसमें से एक को भी भारत के अंदर नहीं रहने देंगे, ऐसा कहा है उन्होंने। तो जब लगता है कि बाकी सारी की सारी पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं तो भारतवर्ष की पहचान क्या होगी? डिबेट इस बात पर भी चल रही है कि इस लॉ से बनाने की वजह से इन्होंने मान लिया
कि टू नेशन थ्योरी लागू हो गई, यानी कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ इस्लाम धर्म के नाम से बना था और बाकी जो लोग बच गए थे वो हिंदू हो गए। ये बनाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान है वो पाकिस्तान है, परंतु मोदी जी का कहना यह है कि भारतवर्ष के अंदर कोई व्यक्ति जो नागरिक यहाँ का है उसके प्रति कोई भेदभाव नहीं होगा, परंतु उनका उद्देश्य यही है जितने भी गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर लोग आए हैं उनको देश से बाहर निकाला जाएगा। परंतु उसका मतलब अपोजिशन कहना यह है कि इसके प्रति जो विरोध हो रहा है डेमोक्रेसी के अंदर, विरोध बातचीत से करना, उसका विरोध करना, डिसेंट करना एक डेमोक्रेटिक राइट है। अब इस चीज को नागरिकता संशोधन एक्ट को रूप क्या दिया गया है कि डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप हो रहा है, कि मोदी सरकार लोगों की आवाज़ बंद करना चाहती है, हम उस आवाज़ को बुलंद करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं, हिंसा पर कुछ लोग होने वाले हैं। मोदी ने कहा है कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, परंतु ये जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया है इसके प्रति विरोध राजनीतिक भी है, परंतु ये भी है कि उनको लगता है कि इस देश के अंदर एक प्रकार की धर्म नीति अपनाई जा रही है। कोई ना सच्ची बात।